1984 में दिल्ली दंगों के दौरान क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताऊं। मतलब वो दिल्ली फाइल्स खोले, उससे पहले दिल्ली फाइल्स हम खोल रहे हैं पाठशाला। विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से कश्मीर फाइल्स में कश्मीर की सच्चाई दिखाई, उसी तरह से अब वो कह रहे हैं 84 का घटनाक्रम बताएं और फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको इतिहास के पन्नों से धूल हटाकर बताता हूं 1984 में क्या हुआ था। युवा पीढ़ी जो आज की है वो 84 के दंगे तो सुनती है लेकिन जानती नहीं कि हुआ था। 1984 में जो हुआ वो नरसंहार था, और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसके लिए आपको 1984 में लेकर चलते हैं। उस समय ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने ओडिशा में प्रचार किया और उसी दिन प्रचार के बाद इंदिरा गांधी शाम को दिल्ली लौट आई। इंदिरा गांधी दिल्ली के एक सफदरजंग रोड वाले आवास में रहती। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के कई कार्यक्रम थे। आयरलैंड के डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव से उन्हें मुलाकात करनी थी। सुबह 9 बजे पीटर उस्तिनोव इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करने वाले थे। पीटर अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके थे। सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी कांग्रेस दफ्तर जाने के लिए निकले। उसी समय इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गोली मार दी। इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, ये समाचार आग की तरह फैल गया। हजारों की संख्या में समर्थक एम्स के बाहर जुट गए। उस वक्त राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उत्तरी यमन की यात्रा पर। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बीच दौरे से वापस भारत लौटे और भारत लौटते ही राष्ट्रपति ने एम्स का दौरा किया। आर के पुरम के पास राष्ट्रपति के काफिले पर पथराव किया गया। राष्ट्रपति के काफिले पर जलती हुई मशाले फेंकी गई। सोचिए, देश के राष्ट्रपति के काफिले पर पथराव हो गया क्योंकि वो सिख थे। यह था उस दौर का सच। हिंसा की आग उस समय तक फैल चुकी थी। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर मीडिया में 1 बजे के करीब आई और उसी के साथ यह खबर भी आई कि 2 सिख बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। 2 बजे के आसपास दिल्ली में हिंसक घटनाएं शुरू हुई। सिखों के बसेस से बाहर निकालकर उन्हें मारा पीटा जाने लगा। एम्स से लौट रहे इंदिरा समर्थकों ने भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। 5 बजते बजते शाम के दिल्ली के कई इलाकों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। 5:55 पर विनय नगर इलाके में सिखों पर पहला हमला हुआ कहा जाता है। सिख युवक की मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया। भीड़ लगातार सिख विरोधी नारे लगाकर हमले कर रही थी। दुकानें बंद करके लोग घरों की तरफ भागने लगे और दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका हुआ था। त्रिलोकपुरी में कैसे हिंसा हुई और कैसे पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, थोड़ा आपको बता दूं। 31 अक्टूबर की रात पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस सांसद HKL भगत की बैठक हुई। त्रिलोकपुरी में कांग्रेस नेता रामपाल सरोज के घर बैठक हुई। 1 नवंबर की सुबह 10 बजे 400 लोग त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 32 पहुंचे। इलाके के सिख बचने के लिए गुरुद्वारे में चले गए। कल्याणपुरी के SHO शूरवीर सिंह त्यागी मौके पर पहुंचे। हमलावरों पर एक्शन की बजाय उन्होंने सिखों से घर जाने को कहा। शूरवीर सिंह ने कहा कि सिखों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। सिखों को गुरुद्वारे से निकालने के लिए शूरवीर सिंह ने हवाई फायर तक कर दिया। जैसे ही गुरुद्वारे से सिख बाहर निकले, भीड़ उन पर टूट पड़ी। भीड़ को कंट्रोल करने के बजाय SHO शूरवीर पर आरोप है कि वहां से वो चले गए। त्रिलोकपुरी में 1 और 2 नवंबर को सिखों पर अत्याचार हुए। तलवार, फरसे, बमों से सिखों के घरों पर हमला किया गया। त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 29 में भी सिखों पर हमले हुए। 2 नवंबर की आधी रात पुलिस ने सिखों के शवों को हटाया। 8 ट्रकों में कहा जाता है कि सिखों के शवों को भरकर त्रिलोकपुरी से ले जाया गया था। 8 ट्रक। त्रिलोकपुरी में हुई हिंसा में गवाहों के मुताबिक 300 सिखों की हत्या की गई। ये गवाहियां रंगनाथ मिश्रा आयोग के सामने दी गई, जिसमें यह भी बताया गया कि हिंसा के दौरान पुलिस लगातार आ जा रही थी लेकिन दंगाइयों को रोक नहीं रही थी। HKL भगत को बाद में राजीव सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद दिया गया था।
31 अक्टूबर को शुरू हुई हिंसा दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों तक फैल गई। कहां कहां यह आग फैली आपको पता है? जहां सिखों पर अत्याचार हुए, उनका नरसंहार हुआ, वो राज्य थे उत्तर प्रदेश, और वहां उस वक्त सरकार थी कांग्रेस पार्टी। सरकार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार आपकी ही जिम्मेदारी थी रोकने की। बिहार किसका शासन था? वहां कांग्रेस पार्टी का। मध्य प्रदेश एमपी कांग्रेस की सरकार थी। ये 84 दंगों में जो हुआ है उसके बाद क्या हुआ वो आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में हुआ सिखों पर अत्याचार किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार। पंजाब, वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन का मतलब केंद्र की सरकार। असम में कांग्रेस की सरकार, गोवा में कांग्रेस की सरकार, गुजरात में हिंसा हुई कांग्रेस की सरकार, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार थी, तमिलनाडु में AIADMK की सरकार थी, और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का शासन था। तो जो लोग ज्ञान देते हैं कि इस देश में 2014 के पहले तो दंगे ही नहीं हुए, उन सब का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिएगा तो उनमें दंगे रोकने के मामले में 0 मिला हुआ है, 0। और 84 के दंगों में तो हर कोई, लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सबकी सरकार के बारे में आपको बता दें। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हिंसा फैली, मारकाट हुई, और इनमें से 10 राज्यों में कांग्रेस का शासन था। जहां अलग कहा जाता है कि हिंसा रोकी जा सकती थी लेकिन रोकी नहीं गई। दिल्ली समेत देश के 14 राज्यों में 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक सिखों का कत्लेआम हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कितने सिख मारे गए? सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 14 राज्य में जहां हिंसा हुई, उन 14 राज्यों में 2,733 मौतें हुई थी। और सिर्फ दिल्ली में अगर आप देखिएगा, इसमें से जो दिल्ली का आंकड़ा है वो है 2,146 मौत का। सिख कहते हैं कि उनके मुताबिक 3,000 मौत हुई, और ये आंकड़े आहूजा कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए थे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।